हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 12 की कक्षा 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति होती क्या है, इसको समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे एग्जाम के लिए, इससे बचकर आपका एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर की पहली हेडिंग है रासायनिक बल गति होती क्या है, इसको समझें। रासायनिक बल गति क्या होती है, वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं की दर तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गति कहलाती है। इसका मतलब समझें, वह शाखा जिसके अंदर अभिक्रियाओं की दर, कोई रिएक्शन हो रही है उसकी जो दर है, उसकी जो स्पीड है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन हम करते हैं। उसकी जो स्पीड को कारक जो करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं या उसको तेज कर देते हैं अभिक्रिया को, तो उसको रासायनिक बल गति कहते हैं। तो हम किसका अध्ययन करेंगे पूरे चैप्टर में, अभिक्रियाओं की दर का, ओके, और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे, ओके। चलिए समझते हैं कि अभिक्रिया की दर होती वैसे क्या है ये, नेक्स्ट वाली हेडिंग फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग। रासायनिक अभिक्रिया की दर होती क्या, उसको समझें। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, एकांक समय मतलब थोड़ा सा समय हुआ है, एकांक समय में किसी अभिकारक क्या होता, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। मान लो कोई सी भी रिएक्शन हो रही है, मान लो Na ले लिया, Cl ले लिया, किसी भी अभिक्रिया में नमक बनाना है ना, तो सोडियम लो, क्लोरीन गैस लो, तो वो क्या बन जाएंगे, अभिकारक। जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो NaCl बनकर आता है ना, तो वही क्या है, अभिकारक होते हैं। कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला क्या है इसका। देखिए फॉर्मूला है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है या अभिक्रिया की दर बराबर होती है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक जो हमने पदार्थ डाले हैं या उत्पाद जो बना है उसकी सांद्रता, उसका गाढ़ापन जो होता है ना, उसकी सांद्रता बड़े में परिवर्तन में लगा समय, कितना टाइम लगा उसमें, तो उससे निकल कर आ जाता है इसका वेग। एग्जाम्पल के तौर पर अभिकारक को बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का उठा लिया आर, उत्पाद का यहाँ पे क्या ले लिया, पी ले लिया है, प्रोडक्ट मतलब पी, तो उत्पाद ले लिया है। तो मान लो ये प्रोडक्ट है हमारे, समझ जाओ यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखें। देखिए टी बराबर जीरो समय, अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, टी बराबर जीरो समय टाइम कुछ नहीं लगा है, छह यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है, कितने हैं, छह अभिकारक है, छह रिएक्टेंट है, तो जीरो समय पर प्रोडक्ट तो जीरो बनेगा, अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है ना, शुरू नहीं हुई है, तो जीरो, अभी प्रोडक्ट क्या है, जीरो। अब क्या हुआ, टाइम क्या हो गया, मान लो एक सेकेंड हो गया या एक घंटा हो गया, जो भी मान लो, यहाँ पर हमने टाइम ले लिया वन, सेकंड भी हो सकता, घंटा भी हो सकता, तो यहाँ पर रिएक्टेंट बचे कितने, चार। इन चार रिएक्टेंट जो बचे, इसमें से दो का बन गया क्या हमारे पास प्रोडक्ट, छह हो जाएंगे ना, चार और दो छह, तो प्रोडक्ट कितने आ गए यहाँ पर, दो आ गए। अब मान लो टाइम हो गया टू सेकंड का हो गया, दो घंटे का हो गया, तो देखिए रिएक्टेंट जो अभिकारक है दो बचे, अब दो बचे तो उत्पाद कितने बन गए, चार। तो इस तरीके से अभिकारक किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, उत्पाद में, ओके, मतलब जिस चीज को हम डाल रहे हैं अभिकारक के रूप में उससे बनता है प्रोडक्ट, सामान बनता है ना, ओके। अब ले लिया हमने क्या है, टाइम ले लिया 3 सेकंड का या 3 घंटे का, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्योंकि तो सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो जीरो का मान यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि तो सारे जो रिएक्टेंट है हमें कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में, जो बन गए 6 के 6, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गए हैं, पी का मान आ गया 6। तो इस तरीके से अभिकारक बन जाते हैं प्रोडक्ट, तो ये होता है अभिक्रिया का वेग, ओके। अभिक्रिया को समझते हैं, आगे समझे इसको। देखिए फ्रेंड्स, अभिक्रिया समझिए इसकी, अभिक्रिया हमने ले ली, अभिकारक ले लिए स्मॉल ए और कैपिटल ए, प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी, अभिकारक ले लिए जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब हमने उत्पाद बनाया, इसका प्रोडक्ट बनाया स्मॉल सी और कैपिटल सी, स्मॉल डी और कैपिटल डी, उत्पाद बनाया। अब इसको समझे कि अभिकारक का वेग क्या होता है, जिसको हम समझ रहे हैं, समझिए आगे अभिक्रिया का वेग कैसा बनेगा। यहाँ पर अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल ए अभिकारक है, तो स्मॉल ए अभिकारक का हम बना रहे हैं फॉर्मूला, तो माइनस का 1/a, 1/a कहाँ से आ गया, ये आ गया अभिक्रिया का। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट जो हो रहे थे कम हो रहे थे, तो da/dt इसका फॉर्मूला होता है अभिक्रिया का वेग का, तो यहाँ पर स्मॉल ए अभिकारक का हमने फॉर्मूला बना दिया। बनाते हैं बी वाले का, माइनस का 1/b db/dt हो जाएगा, क्योंकि अभिकारक यहाँ पर कम हो रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है db/dt हो जाएगा, क्योंकि बी का मान हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे बी का बना रहे हैं, तो डी बी लगाएंगे,
ओके सी का बनाएंगे तो सी लगाएंगे। अब देखिए उत्पाद का वेग क्या होता है, ये सारे उत्पाद हैं तो उत्पाद का वेग क्या होगा, तो देखिए उत्पाद प्लस के बनने थे, यहाँ पे क्या बनने थे प्लस के, तो वन अपॉन सी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी, इसका अभिक्रिया का वेग बन जाएगा इसके उत्पाद वाले का, ओके। और इसका बन जाएगा क्या, इसका डी वाले का वन अपॉन डी, वन अपॉन स्मॉल डी, तो डी टी, तो क्या हो जाएगा डी डी अपॉन डी टी हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी डी अपॉन डी टी। तो ये सारे क्या होते हैं वेग होती हैं, क्या होते हैं वेग, नीचे हमेशा क्या लगाना है डी टी लगाना है, ओके। जिसका बनाना आपको फॉर्मूला बनाना है उसको लिखना ऊपर, ए का बनाना तो ए लिखो, डी का बनाना तो डी लिखो, इस तरीके से बन जाता है। इसका मात्रक आपको ध्यान पर रखना है मोल लीटर इनवर्स माइन, देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका वेग का मात्रक होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक है फ्रेंड्स औसत दर, औसत दर या अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, औसत दर क्या होती है, औसत वेग क्या होता है, इसको समझें। किसी निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी, डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन डेल सी की दर को अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं, क्या कहते हैं औसत वेग या दर कहते हैं, इसे आर ए वी ओके से प्रदर्शित करते हैं, आर ए वी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें, इसको नेगलेक्ट कर देना, यहाँ पर देखें इसको जो अंडरलाइन हुआ ये पीले कलर से, अभिकारक का देखिए फॉर्मूला देखिए, अभिकारक का बनेगा आर ए बी, तो अभिकारक क्या होता है रिएक्टेंट ऑफ एवरेज, रिएक्टेंट ऑफ ए बी, ए बी मतलब एवरेज, अभिकारक का एवरेज क्या होगा माइनस का डेल आर अपॉन डेल टी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट होंगे कम माइनस का होगा ना, तो माइनस का हो जाएगा आर टू माइनस का आर वन। हाँ ये आर टू कहाँ से आया, मान लो पहले अभिकारक क्या थे R2 थे, उसमें से R1 घटा देंगे तो आ जाएगा डेल आर का मान, और यहाँ से T2 का मान में से T1 का मान घटाएंगे, क्योंकि पहला टाइम था मान लो जो भी था उसको T2, उसमें से ये T1 घटा देंगे तो हमारे पास डेल टी का मान आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान पर रखना है, इसी तरीके से उत्पाद का फॉर्मूला बन जाता है प्रोडक्ट ऑफ एवरेज डेल पी अपॉन डेल टी, ये प्लस का आएगा क्योंकि प्रोडक्ट प्लस के बनते हैं, ओके अभिकारक कम होते हैं उत्पाद बनते हैं, तो इसी तरह से प्लस का हो जाएगा, तो पी टू माइनस के पी वन अपॉन टी टू माइनस के टी वन, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला टॉपिक है फ्रेंड्स उसको समझे, देखिए काफी इंपोर्टेंट है ये वाला, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में या क्षण पर, किसी निश्चित समय या क्षण पर, क्षण मतलब छोटा सा समय होता है, क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, किसकी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को, इसके होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया की तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं, उस अभिक्रिया का क्या बोलते हैं तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं, इसे आर आई एन एस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप समझे होंगे तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग छोटा सा वेग होता है जो छोटे से समय पर निकाला जाता है, किसी निश्चित समय पर या क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता होती है ना, अगर उसमें परिवर्तन हो गया तो वही क्या है तात्क्षणिक वेग है। अगर प्रोडक्ट की सांद्रता में या अभिकारक की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन होता है तो जो वो दर है वही तात्क्षणिक वेग है सिंपल भाषा में, ओके। अब समझते हैं इसको आगे, देखिए आगे क्या है इसमें, देखिए अभिकारक और उत्पाद और रिएक्टेंट से बनेंगे प्रोडक्ट, मान लो 10 एम का टाइम हो रहा है तो रिएक्टेंट है यहाँ पर 10, तो बनकर हो जाएंगे 0, कब हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि टाइम लगेगा अभिक्रिया को होने में, तो मान लो वो टाइम कुछ देर हो गई, 1 घंटा 3 मिनट हो गए, मतलब 10:03 हमने बना दिए, तो क्या हुआ यहाँ पर मान लो आप रिएक्टेंट कितने बचे 6, इसको 6 के प्रोडक्ट इसको बन गए 4, ओके तो 6 4 10 हो जाएंगे। अब फिर मान लो 12 बज गए तो 12 बजे में सारे रिएक्टेंट खत्म हुए और सारे जो अभिकारक थे वो खत्म, तो बन गए सारे प्रोडक्ट उनके कितने 10 के 10। इस तरीके से ये अभिक्रिया का वेग या तात्क्षणिक वेग चलता रहता है। अब पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब समझिए फ्रेंड्स अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता क्या है, देखिए समझो इसको, आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण, कोई से भी टाइम ले लिया, छोटा सा क्षण ले लिया, किसी भी क्षण अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता मतलब सी हो, अभिकारक की सांद्रता सी हो, तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होगा वो होगा डी एक्स अपॉन डी टी, क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी सांद्रता सी के समानुपाती होगा, जो अभिक्रिया का वेग होगा सांद्रता सी के समानुपाती होगा। इसको समझे इसके फॉर्मूले से, डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती होगा सी के, एक बार समझे इसकी थ्योरी को, इससे आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग
यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण कोई से भी क्षण अभिकारक की जो सांद्रता वो सी है सी हो तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होगा dx अपॉन dt वो c के समानुपाती होगा। क्या होगा? c के समानुपाती होगा। तो अब क्या होगा, समानुपाती का मार्ग हम हटाएंगे तो क्वेश्चन वैल्यू क्या आ जाएगा के यदि सांद्रता 1 मोल हो, c का मान 1 हो, तो फॉर्मूला आ जाएगा dx अपॉन dt बराबर के। dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला के आ जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप, आसान है, c का मान बन रखा है तो के बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt, जहाँ के एक वेग स्थिरांक है। इसी का मान हमें बताना था, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो वो आपको याद रखना है कि के बराबर होता है dx अपॉन dt। नेक्स्ट वाला टॉपिक समझिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसको समझें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभिक्रिया की कोटि क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारों के सांद्रता के पदों की घातों का योग। किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण, कोई समीकरण है में व्यक्त अभिकारों को, अभिकारक जो भाग ले रहे हैं, के सांद्रता के पदों की जो घातों का योग है, उनकी घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो वेग के नियम से वेग या दर क्या होता है, तो क्या हुआ इसके अंदर, वेग या दर क्या होगा, तो के इंटू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई कह दी, तो इनकी जो घातों का योग है, एक्स और वाई का जो योग है, वही अभिक्रिया कोटि है। तो मान लो अभिक्रिया कोटि यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो अभिक्रिया कोटि को हम प्रदर्शित करते हैं एन से, तो इनकी घातों का योग एक्स प्लस के वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के वाई। तो एक बार समझें, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण, तो कोई वेग समीकरण हम बना रहे हैं, इनको व्यक्त करने वाले अभिकारकों के जो सांद्रता के पदों की जो घात है, इनकी जो घात है, ओके, उनका योग अभिक्रिया कोटि कहलाता है। तो इनका योग कर दो, बस आसान है। अब पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा। देखिए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है, समझें इसको। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग, वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारकों जो रिएक्टेंट हैं, जो हमें अभिक्रिया में डाले हैं, अभिकारकों की सांद्रता पर, किसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अभी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है कौन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यही है, शून्य कोटि की अभिक्रिया निर्भर नहीं करती है, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, आसान है। तो वेग का फॉर्मूला होता है के इंटू आर की पावर एन, ओके, के इंटू आर की पावर एन। के वेग स्थिरांक है, आर क्या रिएक्टेंट है, और एन क्या इसकी घात है। तो वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, के आर की पावर 0, क्योंकि एन का मान हमें क्या लेना, 0, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया तभी तो होगी जब एन का मान 0 लोगे, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया इस तरीके से आ जाएगी। तो वेग स्थिरांक का यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का, के इंटू आर की पावर 0। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला ये आ चुका है। हम निकालते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। चलिए आगे समझें। देखिए फ्रेंड्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या आएगा निकल के, तो देखिए वेग का जो फॉर्मूला था ना, के इंटू आर की पावर एन था, आर की पावर एन था, शून्य कोटि में 0 लेते हैं और शून्य कोटि की अभिक्रिया का हम मान निकालेंगे, क्योंकि एन का मान हम क्या रखेंगे, 0। तो ये हमने लगा दिया वेग का फॉर्मूला, तो ध्यान पर रखना वेग का फॉर्मूला होता है के इंटू आर की पावर एन। तो के का मान हम क्या लेंगे, वेग स्थिरांक के रूप में लेंगे, तो आर की पावर क्या रखेंगे, 0, आर की पावर एन और एन का मान क्या रखेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय इंटू 1/ सांद्रता की पावर 0। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा वेग का सांद्रता अपॉन समय, ओके, इंटू 1/ सांद्रता की पावर 0। इस तरीके से हम इस कंडीशन में लिख के, तो हम इसके मान रख देंगे, सांद्रता को डिफाइन करेंगे मोल से और समय को सेकंड से, ओके, बटा लीटर। तो इसको नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस के कर दें, तो सांद्रता का मान ध्यान पर रखना, चूंकि सांद्रता बराबर होती है मोल बटा लीटर, सांद्रता का मान क्या रखेंगे, मोल बटा लीटर। तो हमने इस सांद्रता का मान हमने रखा मोल बटा लीटर, मोल बटा लीटर। 1/ सांद्रता का, 1/ सांद्रता की पावर 0 का मान रख दिया हमने सेकंड, टाइम लग रहा है यहाँ पर सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, मोल नीचे प्लस का एल है ऊपर जाके माइनस का, तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड का सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो ये जो फॉर्मूला है, ये शून्य कोटि के मात्रक जो है, ये ध्यान पर रखना, ये वाला जो फॉर्मूला आपका, ओके, ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है। इसमें कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक ज्ञात कर दो, तो हमने कर दिया, के बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसका मात्रक आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला टॉपिक है, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर तो क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसकी दर, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। वह अभिक्रिया जिसकी जो दर है एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एक बार समझे, वी नो डेट हम जानते हैं वेग बराबर होता है के इंटू आर की पावर एन। ओके, वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया जो वहां पे अभिक्रिया हो रही हो जिसकी जो दर है, दर मतलब जो स्पीड है अभिक्रिया की होने की, जो स्पीड है एक अभिकारक की सांद्रता की, जो अभिकारक उसमें पड़ा है जो हमने डाला सामान, अभिकारक की जो सांद्रता है उसका जो गाढ़ापन है उसकी सांद्रता की प्रथम घात के, जो सांद्रता उसकी प्रथम घात के समानुपाती होती है, जो प्रथम घात है उसके समानुपाती होती है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है के इंटू आर की पावर एन, तो यहाँ पर एन का मान रखेंगे हम वन, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि का मान क्या रखेंगे, वन, पहला शून्य कोटि था तो वहां पर जीरो रखा था, तो यहाँ पर वेग का फॉर्मूला आ जाएगा के इंटू आर की पावर वन। तो इस तरीके से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला इस तरीके से आता निकल के। अब समझते हैं इसका मात्रक कैसे निकलेगा। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई कैसे ज्ञात की जाती है, अभिक्रिया का मात्रक हमें निकालना है। तो हम जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं वेग बराबर होता है के इंटू आर की पावर वन, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो हम क्या लेंगे यहाँ पर वन। ओके, आगे समझें के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा तो देखिए ये जो आर की पावर वन था ये गुणा में था तो वेग के बटे में चले जाएगा, गुणा की संख्या इस वेग के इस बराबर के इधर को बटे में आ जाएगी, तो बटे में आ गई तो वेग बटा क्या हो जाएगा आर की पावर एन। तो क्या हो जाएगा, के का मान निकालना हमें, तो वेग बटा, देखिए वेग बटा आर और वन की घात आर ही हो जाएगा। देखिए आर का ना आर हो जाएगा ना, किसी भी पावर की मतलब क्या है, अगर एक घात चढ़ी हो तो वही उसका मान होता ना। तो के बराबर हो जाएगा वेग बटा आर, तो क्या होगा अगर देखें, के बराबर हो जाएगा वेग, और वेग का मान होता आपके पास, वेग का मान होता सांद्रता बटे समय, क्या होता सांद्रता बटे समय। वेग का मान ध्यान पर रखना, आर का मान हो जा होता है यहाँ पर रेक्टेंट का वन अपॉन सांद्रता, क्या होती है वन अपॉन सांद्रता। तो वेग का हमने ये मान फिट करा आर की वैल्यू के आगे वन अपॉन सांद्रता, सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन समय बचा, तो के बराबर क्या बचा वन अपॉन समय, और वन अपॉन समय मतलब सेकंड, समय हमेशा समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है, तो नीचे सेकंड प्लस का पड़ जाके माइनस का, तो सेकंड इनवर्स ध्यान पर रखना, सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक आता है के का मान सेकंड इनवर्स, काफी इजीली आपको बताया गया फ्रेंड्स। चलिए इसके पढ़ते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। देखिए फ्रेंड्स इसके लक्षण क्या होंगे, लक्षण समझो इसको ध्यान से, लक्षण वो होते हैं सिम्पटम्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या है उनको देखें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का प्रथम कोटि की जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग है के है, तो के का मान अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता है, ये बात ध्यान पर रखना, नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है के का मान अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल रसायन, देखिए यह केवल समय की सांद्रता, यह केवल समय की सांद्रता पर निर्भर करता है बट उसकी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा इसका लक्षण है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। एक बात यह है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई है उसका जो अर्धायु काल है अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये बात पॉइंट की है। तीसरा है अभिकारक के पूर्ण होने में, अभिकारक के पूर्ण होने में अनंत समय लग जाता है, अगर अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लग रहा है तो वो भी क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जैसे लोहे पर जंगाल चढ़ना, अनंत समय लग जाता है उसको, काफी टाइम लग जाता है, चढ़ती रहती है जंगाल। ओके, चौथा पॉइंट है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता एन गुना बढ़ने पर, अगर अभिकारक की सांद्रता एन गुना बढ़ने पर अभिकारक का जो वेग है वो भी एन गुना बढ़ जाता है, ये भी बात ध्यान पर रखना, अगर सांद्रता का मान एन गुना बढ़ लिया है तो अभिक्रिया का वेग भी एन गुना बढ़ जाता है। ये थे इसके सिम्टम्स जिसको बोलते हैं लक्षण फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला टॉपिक है फ्रेंड्स उसको समझे, नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग की स्थापना कीजिए, वेग का व्यंजक निकालिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग का फॉर्मूला में निकालना है, तो समाकलन करना है इसमें, तो देखिए समझे इसको धीरे धीरे आसान तरीके से। अभिक्रिया में हमने रिएक्टेंट ले ली है, उत्पाद के हमने ले लिए प्रोडक्ट, तो हुआ क्या इसके अंदर ये देखें, वेग का हम फॉर्मूला जानते हैं, देखिए शून्य कोटि का निकाल रहे हैं हम, तो वेग का फॉर्मूला होता है माइनस का डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो कम होते हैं तो माइनस का आएगा ना, तो वेग बराबर हो जाएगा माइनस का डी आर अपॉन डी टी, या वेग बराबर होता है के इंटू आर की पावर एन, के इंटू आर की पावर एन। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया का मान हम यहाँ पे एन की पावर जीरो रखेंगे, हम जानते हैं अभी हमने पढ़ा था, तो
तो माइनस का डी आर अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा के इंटू आर की पावर एन, इसको हमने ऐसे लिखा ओके, इसको मतलब होता है या, तो माइनस का डी आर अपॉन डी टी बराबर हो जाता है के इंटू आर की पावर एन। तो आगे समझे एन का मान हम क्या रखेंगे, जीरो, एन का मान हम रखेंगे जीरो क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम समाकलित वेग की स्थापना कर रहे हैं। अगर समझे तो क्या हुआ, एन की पावर क्या रखेंगे हम जीरो, एन की पावर हम रखेंगे जीरो। तो हम देखिए माइनस का डी आर अपॉन डी टी ऐसे लिखा, इसको तो ठीक ऐसे लिख रहे हैं हम, माइनस का डी आर अपॉन डी टी ऐसे लिखा, तो क्या हुआ के ऐसे लिखा और आर ऐसे लिखा और एन की जगह रख दो हमने क्या जीरो, क्योंकि शून्य कोटि का अभिक्रिया तो क्या रख दिया हमने जीरो। आर की पावर जीरो का मान होता वन या एक्स की पावर जीरो का मान होता वन, तो ये थोड़ा मैथ है, थोड़ा सा ध्यान पर रखना, किसी भी अचर पद की पावर हम जीरो रखेंगे तो उसका मान आता वन निकल के ओके। अगर समझे अगर क्या हुआ इस सॉल्यूशन के अंदर फ्रेंड्स, आसान तरीके से सॉल्यूशन बताया जा रहा है आपको ये, अगर बिल्कुल डीपली तरीके से समझते हुए जाएं, माइनस का डी आर अपॉन डी टी, माइनस का डी आर अपॉन डी टी हमने ऐसे लिखा है और के ऐसे लिखा है और आर का, आर की पावर जीरो का मान क्या होता है वन, तो वन रख दिया हमने इसकी जगह, तो के की गुणा वन से करेंगे तो के की गुणा के हो जाएगा ना, तो माइनस का डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अगर समझें तो क्या हुआ है माइनस का डी आर अपॉन डी टी, ये देखिए बड़े की संख्या इसके गुणा में, इससे इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा के डी टी, क्या हो जाएगा के डी टी, इससे इसकी गुणा कर दो के डी टी। अब क्या हुआ इधर भी माइनस से गुणा कर दो, इधर भी माइनस से गुणा कर दो, इधर माइनस से गुणा करेगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, डी आर हो जाएगा प्लस वही हो जाएगा माइनस, तो माइनस का कौन हो गया, माइनस का हो गया के डी टी, क्या हो जाएगा के डी टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है निश्चित समाकलन, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखना है इसके सॉल्यूशन को। देखिए फ्रेंड्स आगे समझिए, निश्चित समाकलन करने पर तो डी आर बराबर माइनस के डी टी का हम निश्चित समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन का मार्क ये होता है इस तरीके से यूं गया निशान, तो समाकलन कर रहे हैं हम डी आर का ओके। तो लिमिट ले रहे हैं हम, देखिए जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी तो उसमें पदों का योग था ए और बाद में हो गया ए नॉट, तो समझे इसकी सांद्रता का मान है ये और रिएक्टेंट की सांद्रता है ये ओके, समझें इसको। देखिए डी आर समाकलन लिमिट जा रही है ए नॉट से ए तक, ए नॉट से ए तक बराबर के, ये माइनस का के ऐसे लिखा और डी टी का समाकलन करेंगे हम, तो लिमिट जाएगी जीरो से, देखिए जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी तो टाइम था जीरो, बाद में टाइम हो गया टी, तो हम जीरो से टी लेंगे। और यहाँ पे हम ध्यान से देखें जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो वहाँ पे सांद्रता हम ले रहे हैं क्या ए नोट, बाद में हो गई इसकी ए, और जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी तो टाइम था जीरो, बाद में अभिक्रिया हुई तो टाइम हो गया कुछ, जब कुछ टाइम हुआ तो उसको ले लिया टी ओके। तो हम इस तरीके से लिमिट चढ़ा सकते हैं समाकलन के रूप में समाकलन पर, तो यहाँ पर इसका निश्चित समाकलन कर रहे हैं हम, तो इस लिमिट को हम इस तरीके से ब्रैकेट में अब लिखेंगे, क्योंकि डी एक्स ध्यान पर रखना डी एक्स समाकलन, डी एक्स का समाकलन होता है एक्स, समाकलन डी एक्स का एक्स होता है, डी वाई का वाई होता है, डी आर का आर हो जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा, तो इस समाकलन के फॉर्मूले होते हैं मैथ्स के ओके। तो डी आर का समाकलन हो जाएगा आर, देखिए डी आर का समाकलन हो जाएगा आर, तो आर रख दिया, लिमिट हम चढ़ा रहे हैं ए नोट से ए तक, इधर हो जाएगा माइनस का, और डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा, डी टी का हो जाएगा टी ओके, ये माइनस का चल गया है, तो लिमिट जा रही है जीरो से टी तक। अब ध्यान पर रखना, बिल्कुल बात ध्यान पर रखना, देखिए अपर लिमिट में से, ऊपर वाले लिमिट में से, जो ऊपर ए है ऊपर वाले लिमिट में से नीचे वाले लिमिट घटाएंगे, ये इसका नियम है। तो हम क्या करेंगे ए माइनस के ए नोट कर देंगे, ए माइनस के ए नोट कर देंगे, लिमिट हमने घटा दी, माइनस का के ऐसे लिखा, अब हम लिमिट घटाएंगे, देखिए ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटा दी, टी माइनस के जीरो हो गया, यहाँ पर ए माइनस के ए नोट हो गया है। आगे समझें इसको, आगे क्या हुआ है ए माइनस का ए नोट ऐसे लिखा, अब क्या हुआ माइनस के टी, इससे गुणा करेंगे माइनस के टी हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो कुछ होता ना, हटा दो इसको, तो ए माइनस के ए नोट बराबर हो जाएगा माइनस के टी हो जाएगा। अब क्या हुआ आगे देखें, देखिए 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 माइनस का, देखिए ए माइनस का ए नोट है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन खींचूंगा, बाहर को खींचूंगा, तो ए नोट हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मैथ्स है, मैथ्स है, बिल्कुल ध्यान से देखें इसको, देखिए हुआ क्या है इसके अंदर, देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ या क्या, ये माइनस कॉमन लेना मुझे, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये ए नोट हो जाएगा इसका, किसका इसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का, देखिए इस माइनस से मैं इसकी गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए नोट, और इससे इसकी गुणा करूँगा तो प्लस का ए, वही वाली बात आ जाएगी, ये प्लस का ए है, प्लस का ए है और माइनस का ए नोट है, तो ये वाली कंडीशन आ रही है ना, तो ये मेरा करके ये फ़ायदा हुआ, बराबर में माइनस का जो के टी है ना, माइनस का जो के टी है, इस माइनस से मैं ये माइनस काट सकता हूँ, तो अब मेरे पास ये जो के टी है ये प्लस का बन गया है, क्या बन गया है, ये प्लस का बन गया है,
ए डी लिखा, और यहाँ पे ये कैसे बन गया है, इस तरीके से ए नोट वन एस के बन गया ना, ए नोट वन एस के। तो इस तरीके से ऐसे लिखा, मुझे के का मान चाहिए, क्या चाहिए, के का मान, तो गुणा की संख्या बड़े में जाएगी बराबर में, तो टी जो है इसके गुणा में, तो कहाँ आ गई, इसके बड़े में। तो इस तरीके से समाकलन का मान हम निकाल सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको तोड़ के लिख लें जो किताब के अंदर दिखाता है। ओके, देखिए के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा वन पॉइंट टी, क्योंकि तो इन दोनों के गुणा में बन छिपा हुआ, तो वन पॉइंट टी में लिख सकता हूँ ए माइनस के। देखिए ए नोट माइनस के ऐसे लिखा है, और ये आ गया इसका निश्चित समाकलन का, क्या आ गया फ्रेंड्स, फॉर्मूला। तो आपको ये आसान तरीके से बताया गया है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो हमने आसान तरीके से आपको बता दिया है। चलिए फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स इस चैप्टर का मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित तो वेग की स्थापना करनी है, या आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित तो वेग निकालना है। तो समझें इसको, देखिए जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो उसमें रिएक्टेंट पड़े हुए होते हैं, बाद में बन जाते हैं वो प्रोडक्ट। तो वेग आता निकल के रिएक्ट माइनस का डी आर अपॉन डी टी, माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि रिएक्टेंट होंगे कम, माइनस के होंगे कम होते रहेंगे, तो ये हो जाएंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तो माइनस का इसी वजह से आता डी आर अपॉन डी टी। देखिए रिएक्टेंट का मान निकाल लें, रिएक्टेंट का वेग निकाल लें तो आर रखें, किसी और का निकाल लें तो उसका मान रख दें, तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, और डी टी का सूक्ष्म समय है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, या वेग का फॉर्मूला था के इंटू आर की पावर एन, तो माइनस का डी आर अपॉन डी टी का बराबर हो जाएगा के इंटू आर की पावर एन, और एन का मान क्या रखेंगे हम, वन, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग की स्थापना कर रहे हैं, तो एन का मान रखेंगे वन, अगर शून्य कोटि की होती तो जीरो रखते, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो एक रखेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया तो दो रखेंगे, इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, माइनस का डी आर अपॉन डी टी, माइनस का डी आर अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा के इंटू आर की पावर एन, देखिए, और आर की पावर एन का मान रखेंगे हम वन, तो यहाँ पर वन से आर की गुणा करेंगे तो के आर ही आ जाएगा, आर का ना आर हो जाएगा ना, तो माइनस का डी आर अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा के आर, क्या हो जाएगा के आर। अब क्या हुआ, देखिए ये बड़े की संख्या इसके गुणा में जाएगी, बड़े की संख्या इसके गुणा में आएगी, और गुणा की संख्या इसके बड़े में आएगी, तो हुआ क्या इसके अंदर देखें, तो देखिए इधर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, इधर माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस कर देगा, तो डी आर अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा माइनस का के डी टी, इधर का माइनस इधर कन्वर्ट कर दिया, कैसे, इधर भी माइनस से गुणा करके, इधर भी माइनस से गुणा करके, तो क्या हुआ, माइनस का डी आर अपॉन आर बराबर के डी टी का मान क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास मान आ गया कौन सा आ गया, ध्यान से देखें, डी आर अपॉन आर माइनस का के डी टी, इधर का माइनस इधर जाके कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि माइनस हमने गुणा करी है। आगे समझते हैं इसके निश्चित समाकलन को। आगे समझे फ्रेंड्स, निश्चित समाकलन करने पर क्या होता है, इसका डी आर अपॉन आर का निश्चित समाकलन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब वो अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी टाइम था जीरो, और रिएक्टेंट की सांद्रता थी ए नॉट, जब टाइम कुछ हो गया तो मान लो टी हो गया, ओके, और रिएक्टेंट की वैल्यू हो गई ए, तो इसको ध्यान से देखें, ओके, जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी तो इसकी सांद्रता रिएक्टेंट की थी ए नॉट, बाद में हो गई थी ए, जब टाइम स्टार्ट हुआ था तो टाइम था जीरो, और जीरो के बाद में टाइम कुछ हो गया, तो इस तरीके से लिमिट चढ़ा सकते हैं, तो ये होता समाकलन का मार्ग, ये हमने चढ़ा दी लिमिट, तो डी आर अपॉन आर इस तरीके से लिख सकते हैं हम, माइनस का के, और डी टी का हम समाकलन करेंगे, क्योंकि ये क्या है एक स्थिरांक है, इसका समाकलन नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा, तो डी टी का समाकलन हम कर सकते हैं, और आपका भी बताया गया है कि डी टी का, देखिए डी एक्स का जो समाकलन होता है वो एक्स होता है, डी टी का डी हो जाएगा, देखिए डी एक्स का जो समाकलन होता है वो एक्स होता है, डी वाई का वाई होता है, और डी टी का टी हो जाएगा। ओके, समझें इसको आगे, तो डी आर अपॉन आर का जो समाकलन होगा वो होगा आर, तो किसके रूप में आएगा ये, लोग के रूप में आएगा, किसके, लोग ई के रूप में आएगा, तो लिमिट है इसकी ए नोट से ए तक, इसका हो जाएगा माइनस का के, और इसकी लिमिट है कहाँ से, जीरो से टी तक, जीरो से टी तक, तो इस तरीके से डी टी का समाकलन हो गया टी, और डी आर अपॉन आर का समाकलन हो गया लोग ई आर। ओके, अगर समझें, अब ध्यान से देखें इसके अंदर होगा क्या, देखिए इनके कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे तब जाकर समझ में आएगा, तो समझें इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, तो ये इस तरीके से वैल्यू आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे देखें, लॉग ई ए ऊपर वाली लिमिट में से, जिसको बोलते हैं अपर लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटाते हैं, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटाते हैं, ये बात ध्यान पर रखना, मोस्ट टाइम की बात है, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटाते हैं, तो क्या हुआ, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट, तो इस तरीके से अपर लिमिट में से नीचे वाली लिमिट हमने घटा दी है, इस आर का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका ये फॉर्मूला लग चुका है,
बराबर माइनस का के, ऊपर वाले लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटा दो, टी में से जीरो घटाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो लोग ई ए माइनस लोग ई ए नॉट बराबर हो जाएगा माइनस का के टी, क्या हो जाएगा के टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पर मैथ्स का, 12th क्लास की मैथ्स का, लोग ई एम माइनस लोग ई एन का फॉर्मूला होता है, लोग ई एम माइनस लोग ई एन का फॉर्मूला होता है लोग ई एम अपॉन एन। पहली वाली जो पावर है वो ऊपर, बाद वाली जो पावर है वो नीचे, तो लोग ई एम अपॉन एन इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ लोग ई एम और लोग ई एन बराबर माइनस का के टी चल रहा है, तो माइनस का के टी। हाँ यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो माइनस है इधर कन्वर्ट करेंगे हम, इधर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कर देगा प्लस। तो इस तरीके से हम ये वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस कॉमन लेना है। ओके ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लोग ई ए प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, और जो हमने माइनस कॉमन लिया था बाहर, जो कॉमन लिया था इस माइनस से, वो माइनस कट जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो थोड़ा सा सोल्व कर लें इसको, रफ कर रही हूँ मैं, एक बार और सुन लें, ये जो माइनस का के टी है इसके अंदर हुआ क्या, ये प्लस का कैसे बन गया, क्योंकि तो ये जो वैल्यू है इसमें से माइनस मैंने बाहर खींचा, उधर को जब खींचेंगे आप, तो जब खींचेंगे तो माइनस माइनस ये बन जाएगा आपका, ये प्लस का बन जाएगा। तो लोग ई ए नॉट प्लस का बन गया है, और ये इधर बन जाएगा माइनस का, और जो बाहर आपने माइनस खींचा वो जो बाहर इधर माइनस था इस माइनस को काट देगा, क्योंकि बराबर है बीच में यहाँ पे, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो के टी बराबर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला लगा लोग ई ए नॉट माइनस लोग ई ए, ये फॉर्मूला लगा आपका ये वाला, लोग ई एम अपन एन, लोग ई एम अपन एन, मतलब पहली वाली जो पावर है ऊपर लिखेंगे, बाद वाली जो पावर है मतलब पहला वाला जो मान है ये लिखेंगे ऊपर, बाद वाला मान जो है वो लिखेंगे नीचे। इसे यहाँ पर लिखा था एम और एन, ये जो पावर है वो लिखी है, जो पावर है ये नीचे लिखी है। तो क्या हुआ, इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या हुआ, के टी बराबर आ गया लोग ई ए नोट अपॉन ए। अब आगे ध्यान से देखें, लोग ई एक्स का जो मान होता है 2.303, 2.303 लोग ई टेन एक्स होता मान, तो के टी बराबर हो जाएगा ये आपके पास लोग ई मान का जो आएगा, लोग ई का जो मान आएगा 2.303 लोग ई टेन, इसी जगह हमने रख दिया है मान ए नॉट अपॉन ए, इस तरीके से लिखा। अब देखिए इसका फाइनल आंसर समझिए, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर आपको ये बन जाएगा, देखें ध्यान से देखिए, फाइनल आंसर बन जाएगा के का मान मुझे चाहिए, क्योंकि इसमें समाकलित वेग की स्थापना कर रहा है ना, वेग मतलब के, वेग स्थिरांक के का मान निकालना है, तो जो गुणा में इसकी बटे में आ जाएगी, तो 2.303 इसके सबके बटे में कौन आ गया, टी लोग ई टेन ए नोट अपॉन ए। इस तरीके से आप आसान तरीके से इसका समाकलित वेग का मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, और आगे भी आपको इसके कुछ फॉर्मूले देखने को मिल सकते हैं कि बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लोग ई टेन ए अपॉन ए माइनस के एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या करा गया है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला ए अपॉन ए माइनस के एक्स भी मिल सकता है। ओके और के बराबर दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लोग ई, अगर वॉल्यूम के रूप में है तो बी नोट अपॉन बी दे सकता है, टी बराबर अगर आपको, हाँ ये टी का मान चाहिए, अगर ये टी का मान चाहिए तो बटे की संख्या से गुणा में गुणा की संख्या से बटे में, तो टी का मान इस तरीके से आ जाएगा ना। तो टी का फॉर्मूला ये भी काफी चलता है न्यूमेरिकल में, 2.303 अपॉन के और लोग ई ए अपॉन ए माइनस के एक्स, ए अपॉन ए माइनस के एक्स। तो वहां पर हमने कैपिटल ए और ए नोट चलाया था, यहाँ पर ए अपॉन ए माइनस के एक्स चला रखा है। ओके समझ सकते हैं आगे, तो इसके जो हमने अभी सॉल्यूशन करा था इसके कुछ फॉर्मूलेज, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको देख सकते हैं। देखिए समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स, समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स का जो मान होता है वो होता है लोग ई एक्स, क्या होता है लोग ई एक्स, और डी एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है एक्स, लोग ई एम माइनस लोग ई एन का जो फॉर्मूला होता है लोग ई एम अपॉन एन, ये पावर ऊपर ये पावर नीचे है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं इसको सोल्व करने के लिए, जो अभी आपने देखा था लोग ई एक्स का जो मान होता है 2.303 लोग ई टेन एक्स, ये फॉर्मूला इसका इसका मान होता है फ्रेंड्स। ओके उम्मीद आपको समझ में आया होगा ये सारा डेरिवेशन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल क्या होता है, इसके व्यंजक की स्थापना करनी है, व्यंजक निकालना है कि अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या था, निकल के समझें इसको, अर्धायुकाल होता क्या है, उसका व्यंजक कैसा आएगा निकल के। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है अर्धायुकाल कहलाता है, सिंपल भाषा है। ओके वह समय जिसमें कोई पदार्थ यहाँ पे पड़ा है
उसको प्रारंभ, उसकी जो प्रारंभिक मात्रा थी, जो शुरू में जो मात्रा थी, अगर वो आधी हो गई है, घट घट के आधी हो गई है, तो वही क्या है इसका अर्धायु काल है, जितना उसको टाइम लगा घटने में। यदि इफ यदि एक्स का मान मान लिया कि ए वाई टू है, इसका हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। देखिए पहली जो मात्रा थी वो ए थी, वो प्रारंभिक मात्रा क्या कर दी हमने, इसकी आधी कर दी। तो एक्स बराबर हो गया ए वाई टू, हो तो टी बराबर हो जाएगा टी अपॉन ए वाई टू, मतलब 1/2। तो अर्धायु काल इस तरीके से आएगा निकल गया वेग स्थिरांक के समीकरण से। तो समझते हैं इसको कैसे कैसे इसका फॉर्मूला आएगा निकल गया। तो देखिए उसको बिल्कुल ध्यान से, वेग स्थिरांक की समीकरण होती है के बराबर 2.303 अपॉन टी लोग 10 ए अपॉन ए माइनस के एक्स। क्या होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ई टेन ए अपॉन ए माइनस के एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। ये आपका फॉर्मूला आ गया वेग स्थिरांक समीकरण का जो अभी हमने निकाला था। तो के बराबर फॉर्मूला आ जाएगा, तो देखिए टी का मान क्या रखना, ओके टी हाफ रखना है, टी हाफ रखना, टी टी 1/2, टी 1/2, तो टी हाफ बोलते हैं इसको। ओके तो के बराबर यहाँ पर रखेंगे टी हाफ, क्योंकि अर्धायु काल निकाल लें हम, आधा समय निकाल लें, लॉग ई ए अपॉन, अब ए की मात्रा आपको क्या रखनी है ए, और एक्स का मान रखना ए बाई टू, क्योंकि इसकी प्रारंभिक मात्रा आधी हो जाती है, तो ए बाई टू रखेंगे। अगर देखें के बराबर हो जाएगा 2.303 टी हाफ लॉग ई, अब इसको सोल्व करेंगे, ए ऐसे रहा तो ये भिन्न है, तो 2 × 2 मतलब क्या, 2 से 2 से 1 ही गुणा करेंगे, 2 × 2, तो देखिए 2 से 1 ही करेंगे तो 2a, और यहाँ पर 1 माना जाएगा तो 1 × 1 2 × 2। तो इस तरीके से बेसिक वाली भिन्न ही आपको पता होगा, के बराबर हो जाएगा 2.303 टी हाफ लॉग ई। अब इसको ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, देखिए अब क्या हुआ इसके अंदर 2a क्या होगा, 2a ये बटे की संख्या इसके गुणा में, तो 2a, ये देखिए ये जो 2 था ये पलट कर कहाँ पहुंचेगी ऊपर, तो 2 से 1 ही करेंगे 2a, और 2a में से 1a, 2a में से 1a घटाएंगे तो 1a बचेगा। तो अब क्या हुआ, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, a से ये कैंसिल हो जाएगा, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा। तो अब इसका अगर ध्यान से देखें, ओके उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, बस कुछ नहीं करा है, के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लिखा लोग ई, अब यहाँ पर क्या करा, ये पलट के, ये जो पलट के ऊपर चलेगी तो 2a बना देगा, 2a में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, a से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, के बराबर 2.303 टी हाफ हो जाएगा तो लोग ई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर बचा। अगर देखें आगे क्या होता है इसके अंदर, आगे होता है के बराबर हो जाएगा 2.303 303, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2.303, ओके अगर ना भी लिखेंगे तो भी आंसर वही आ जाएगा, तो 2.303 अपॉन टी हाफ। अब देखिए ये ध्यान पर रखना, log e2 का जो मान होता है, log की जो वो होती है समीकरण होती है, मतलब क्या सीरीज होती है इसकी, श्रेणी जो होती है, log e2 का जो मान आता है वो आता निकल के 0.3010, 0.3010, ध्यान पर रखना log e2 का मान होता है 0.303। तो बस इसका, इसकी जगह इसका मान रख दिया है, अब क्या होगा इसकी गुणा करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास, वो ध्यान से देखें, जब इससे इसकी गुणा करेंगे 2.303 की गुणा 0.3010 से करेंगे गुणा, तो गुणा करके आ जाएगा आपके पास 0.6932, 0.6932 अपॉन टी हाफ। अब क्या होगा, अर्धायु काल का फॉर्मूला निकालना हमको, अर्धायु काल मतलब टी हाफ का फॉर्मूला निकालना ना, तो बटे की संख्या गुणा में, गुणा की संख्या बटे में, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो टी हाफ का मान आ जाएगा 0.6932 अपॉन में के। तो इसका ये मेन फॉर्मूला था जो हमने आपको आसान तरीके से बता दिया है। ओके उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, ओके क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो के अंदर बनाने में, पसीने में पसीना पसीना हुआ पड़ा इस टाइम फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको समझेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी एकाणु का अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी काफी बार मालूम किया गया एग्जाम के अंदर, आभासी एकाणु का अभिक्रिया को उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक न हो, अभिक्रिया की कोटि एक हो परंतु आणविकता एक न हो, आभासी एकाणु का अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए चीनी का फॉर्मूला होता है C12H2SO11 + H2O और H4D के
एच पॉजिटिव के उत्प्रेरक रूप में इसकी रिएक्शन हो रही है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है वो फ्रक्टोज का आता है निकल के, तो चीनी टूट जाएगी एच टू से क्रिया करने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। ओके, तो इसकी क्या होती है, इसकी आभासीय अकड़ों का अभिक्रिया कहलाती है जब जब वह अभिक्रिया की कोटि एक होनी चाहिए और आणविकता एक न हो, मतलब फॉर्मूला अलग अलग आना चाहिए और क्या हो इसकी कोटि एक होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आभासी अकाड़ों का अभिक्रिया कहलाती है। ओके, आभासी अकाड़ों का अभिक्रिया कहलाएगी, तो इसकी कोटि एक होगी ना। चीनी से हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज किसका रूप होता है, चीनी भी होता है, फ्रक्टोज भी क्या होता है, चीनी का होता है। और नेक्स्ट वाले टॉपिक से इसको समझ सकते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन से, कि मेथिल एसिटेट CH3COCH3+H2O से क्रिया करेगा तो एथिल एसिटेट का फॉर्मूला बनाएगा और मेथिल अल्कोहल का बना देगा। ऐसी कंडीशन में इवन का आता है, अगर समझें अगर क्या है, अगर क्या है, इन दोनों की अभिक्रिया एक कोटि की है, इन दोनों की अभिक्रिया एक कोटि की है, क्योंकि H2O के संदर्भ में, H2O के संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, H2O का जो संदर्भ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इनकी आणविकता दो है, आणविकता क्या है, दो है। तो अतः यह है आभासी अकाड़ों का अभिक्रिया कहलाएगी। तो आसान था क्वेश्चन, बस इतना ही है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको समझे। देखिए, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताओ, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आणविकता और इसमें कोटि में अंतर बताना है। तो क्या होता है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया कोटि क्या होती है, इसके आधार पर इसका डिफरेंस बताया जाएगा। तो पहला क्या है, अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, अभिक्रिया की जो आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होगी, पूरी की पूरी संख्या होगी, परंतु क्या होता है अभिक्रिया की कोटि में, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, अलग अलग हो सकती है अभिक्रिया कोटि, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया सब अलग अलग होती है। तो क्या होती है, भिन्नात्मक होती है, अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट वाला इसका अंतर है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है और इसका मान शून्य हो सकता है, क्योंकि शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो शून्य हो सकता है, आसान है डिफरेंस फ्रेंड्स। आगे देखिए, इसका मान सदैव पूर्ण धनात्मक होगा, तो अभिक्रिया की जो आणविकता है इसका मान सदैव पूर्ण धनात्मक होगा। ओके, क्या होगा, सदैव धनात्मक होगा, तो इसका मान सदैव धनात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकता है, इसका मान जो है धनात्मक तो होते ही होता है और कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके, हो सकता है, ओके, कंडीशन आ सकती है ऐसी बन के। चौथा क्या है, अभिक्रिया की जो आणविकता है समान या भिन्न भिन्न हो सकती है, अभिक्रिया की जो आणविकता वो समान या भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु क्या होता है, अभिक्रिया की जो कोटि भी समान या भिन्न हो सकती है, तो अभिक्रिया की कोटि भी समान या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्या था, डिफरेंस था इसके अंदर। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स।